चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, सलाइवरी ग्लैंड्स। ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड्स आर फंडामेंटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द ओरल कैविटी होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस होमियोस्टेसिस, ये वर्ड आपने इससे पहले सुना है? किसी को इसका मीनिंग पता है? व्हाट इज होमियोस्टेसिस? होमियोस्टेसिस मींस स्टेइंग सेम और कांस्टेंट। ओके, अदर देन दैट कोई तो बोल रहा था, बोलो एनीबॉडी। होमियोस्टेसिस मींस व्हाट? कांस्टेंट एनवायरनमेंट इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड जो। करेक्ट आंसर, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड एज होमियोस्टेसिस। तो ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आपकी ओरल कैविटी का क्या काम होता है? फूड को ब्रेक डाउन करना, उसका डाइजेशन करना। अगर ये दो काम अच्छे से होने चाहिए तो वहां पे ओरल कैविटी के अंदर कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना जरूरी है। अभी आप कहोगे कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट का मेंटेनेंस मतलब क्या? देखो, फर्स्ट थिंग यू विल नीड सलाइवा विथ प्रॉपर पीएच 6.8। तो ये क्या हुआ, उसका एक मेन कंपोनेंट कि वो पर्टिकुलर पीएच पे ही आपका डाइजेशन ओरल कैविटी में होना पॉसिबल है, राइट? सेकंड थिंग, सलाइवा सिक्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि फूड को आप लुब्रिकेट कर सको, तो उसका प्रॉपर प्रोपोर्शन आपके ओरल कैविटी में मेंटेन रहना जरूरी है, एंड दैट इज नथिंग बट ओरल कैविटी होमियोस्टेसिस। तो इसके लिए आपको मदद कौन करेगा? सलाइवरी ग्लैंड। दे सिंथेसाइज एंड सिक्रेट सलाइवा। What is saliva? A multifunctional fluid which provides mucosal lubrication, salivary electrolytes, antibacterial compounds and various enzymes to protect the oral mucosa and teeth surface. Simple सा concept है। Oral homeostasis maintain करना है, उसके लिए हमें एक fluid की जरूरत है, जो fluid एक से ज्यादा काम कर सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे एक particular word use किया है, मल्टी फंक्शनल फ्लूड। बहुत सारे काम करने वाला एक ही फ्लूड। कौन कौन से काम कर पाता है सलाइवरी ग्लैंड? फर्स्ट, म्यूकोसल लुब्रिकेशन। आपकी ओरल कैविटी में जो म्यूकोसा का लेयर है, तो वहां पे लुब्रिकेशन करना इंपॉर्टेंट है, ताकि फूड को अच्छे से मॉइस्चराइज किया जाए। देन सलाइवरी इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मीनिंग क्या होता है, किसी को पता है? एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। H+ आयन। नॉर्मली आयंस को आप इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हो, लेकिन कौन कौन से आयंस? चलो सॉल्ट को पानी में डाल दिया, कौन से इलेक्ट्रोलाइट बनेंगे? सोडियम एंड क्लोराइड। करेक्ट। अभी उसको हम इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब NaCl आप पानी में डालोगे तो उस NaCl की कैपेसिटी है टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। NaCl ions electric current को flow करने के लिए मदद करते हैं, that's why we call it electrolyte। और हमारे body में electrolyte की जरूरत क्यों है? Example, sodium ions कहाँ पे आपको important है? Chloride ions कहाँ पे आपको important है? चलो लगाओ दिमाग। Salt क्यों खाना जरूरी है? चलो खाना अच्छा लगता है, खाने को test आती है, बाद में क्या? Blood pressure। ब्लड प्रेशर, ओके। थोड़ा सा नर्वस सिस्टम में जाओ, देखो वहां पे कुछ NaCl का यूज होता है क्या नहीं। चलो लगाओ दिमाग, एक्शन पोटेंशियल आपकी हिंट है, अभी लगाओ, सोचो। सेल को वर्क करने में मदद करता है। क्या करने के लिए मदद करता है, रिपीट? वर्क करने में। देखो, न्यूरॉन के थ्रू अगर इंफॉर्मेशन फ्लो होती है तो वहां पे एक पॉइंट आता है, सोडियम इन्फ्लक्स पोटेशियम आउटफ्लक्स, राइट? सोडियम पोटेशियम का पंप, इन्फ्लक्स आउटफ्लक्स, उसके थ्रू ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तभी जाके आपका इंपल्स एक न्यूरॉन से होकर दूसरे न्यूरॉन तक ट्रेवल कर सकता है। तो आपको वहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत है। अगर सोडियम आपने खाना कल से बंद कर दिया और साल भर आपने खाया ही नहीं सोडियम, ऐसा फूड बिल्कुल नहीं खाया जिसमें सोडियम है, तो क्या आपकी नर्वस सिस्टम अच्छे से काम कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं।
चलो क्लोराइड आयन्स आपके बॉडी में कम हो गए, क्या पॉसिबिलिटी है, आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एसिड प्रोडक्शन की प्रोसेस में हमने क्लोराइड आयन्स के बारे में डिस्कस किया था, क्लोराइड आयन्स को कंज्यूम नहीं करोगे तो एसिड कहाँ से प्रोड्यूस होगा, जो भी हम इससे पहले सीख चुके हैं उसका एप्लीकेशन देखो, सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़ो। अभी यहाँ पे इन्होंने बोला है सलाइवरी इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, देन एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स जो हमने बोले थे IgA एंड IgM एंटीबॉडीज एंड वेरियस एंजाइम्स टू प्रोटेक्ट द ओरल म्यूकोसा एंड इट्स सरफेस, लाइसोजाइम लाइपेज, ये एंजाइम्स के बारे में हमने बोला था, सलाइवरी अमाइलेज के बारे में बोला था। इसमें से प्रोटेक्शन का फंक्शन किसका है, लाइसोजाइम, जिसका काम है ओरल कैविटी में जितने भी माइक्रोब्स आते हैं उन सबको किल करना। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। बट अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी थोड़ी देखते हैं तो इसके अंदर आपको तीन पार्ट्स मिलेंगे। मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पेयर ऑफ द ग्लैंड्स, एक ही सलाइवरी ग्लैंड तीन पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, एक है पैरोटिड, दूसरी है सबमैंडिबुलर एंड थर्ड इज सबलिंगुअल। टुगेदर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ द टोटल सलाइवा। आपके बॉडी में ओरल कैविटी में अगर 100 ml सलाइवा सिक्रीट होता है एक दिन में, एग्जाम्पल के लिए मान लो, तो उसमें से 90 ml सलाइवा पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड से ही आपको मिलेगा। रिमेनिंग 10% विल बी ऑब्टेन फ्रॉम माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स लोकेटेड इन ओरल कैविटी एंड उनका मेन फंक्शन होता है लुब्रिकेट, इट मेनली दिस सिक्रीशन सर्व एज द मेन लुब्रिकेंट सलाइवा ड्यू टू इट्स प्रोटेक्टिव एंड म्यूकस कंपोनेंट। काम एक ही है, डिफाइंड काम है, लुब्रिकेशन प्रोटेक्शन, लुब्रिकेशन प्रोटेक्शन। एंड डाइजेशन में जो मेन काम है वो है सिक्रीशन ऑफ अमाइलेज एंजाइम फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल दैट इज माल्टोज। चलो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज योर, होल्ड ऑन, ओके, और कुछ डिस्क्रिप्शन बाकी है, उसके बाद हम पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सलाइवरी ग्लैंड को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, उसका अगर TS सेक्शन आप लेते हो तो वहां पे आपको क्या क्या चीजें नजर आएंगी। द डक्टल नेटवर्क्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डक्ट्स। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर डक्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिक लोकेशन पे आपको सलाइवा का सिक्रीशन देने वाले हैं। अभी ये डक्ट्स जो है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए हैं, इंटरकैलेटेड डक्ट्स, स्ट्राइटेड डक्ट्स एंड एक्सक्रीटरी डक्ट्स। तो पहला है इंटरकैलेटेड डक्ट्स, ये आपके सलाइवरी ग्लैंड्स के प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे इनिशियल सिक्रीशन होता है। इंटरकैलेटेड डक्ट्स आर द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू रिसीव द इनिशियल सिक्रीशन। जिसका माइक ऑन है ना, पहले माइक बंद करो। दीक्षा ओके, इंटरकैलेटेड डक्ट्स आर द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू रिसीव द इनिशियल सिक्रीशन। पहला सिक्रीशन जो होता है वो इंटरकैलेटेड डक्ट्स में होता है, which is then conveyed to the striated ducts, second parts of the ductal network, where several electrolytic changes occur. वहाँ पे electrolyte का exchange होता है between salivary fluid and the extracellular matrix via plasma membrane. Salivary fluid and extracellular matrix. Extracellular. अभी extracellular and intracellular ऐसे दो concept आपको आगे जाके आने वाले हैं। पहले write down. Extracellular matrix means extracellular matrix means extracellular matrix means the components which are present the components which are present outside the cell. And second concept is intracellular matrix. The components which are present inside the cell. The components which are present
inside the cell. That is intracellular matrix. तो अभी इंटरकलेक्टेड ड्रक्ट्स, पहले जो प्राइमरी डक्ट्स थे वहां से सेलरी फ्लूड अभी ट्रांसफर हो चुका है स्ट्राइटेड डक्ट्स में. स्ट्राइटेड डक्ट्स के अंदर जो फ्लूड प्रेजेंट है एंड डक्ट्स के बाहर जो फ्लूड प्रेजेंट है वहां पे होगा इलेक्ट्रोलाइट एक्सचेंज वाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस करते वक्त एक पॉइंट डिस्कस किया था, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज डैश डैश टाइप ऑफ मेम्ब्रेन. कौन से टाइप का मेम्ब्रेन है? कंप्लीटली परमिएबल, पार्शियली परमिएबल, सेमी परमिएबल, विच वन इज करेक्ट? सेमी परमिएबल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट ऑन योर सेल विच अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल ओनली. हर एक सब्सटेंस को वो अंदर आने नहीं देता, हर एक सब्सटेंस को बाहर नहीं जाने देता. सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही एंट्री मिलती है, सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही एग्जिट मिलता है. नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया का मूड हो गया मुझे आज बाहर घूम के आना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट? चलो, एज द सलाइवा टर्न्स मोर हाइपोटोनिक, एज द सलाइवा टर्न्स मोर हाइपोटोनिक, वाइड एक्स्ट्रा लोब्युलर एक्सट्री डक्ट्स कलेक्ट ऑल द फ्लूइड फ्रॉम ग्लैंडुलर लोब्यूल्स and secrete it into the oral cavity. अभी tonicity का concept क्या आपका inorganic chemistry में हो चुका है इससे पहले? Yes, no, sir. नहीं हो चुका. चलो write down. First statement, hypotonic solution. Hypotonic solution. Hypotonic solution. Okay, write down the solution which contains, the solution which contains very low amount of solute. Very low amount of solute is called as hypotonic solution. This solution which contains low amount of solute is called as hypotonic solution. Now, can you define hypertonic solution? Very high amount. Simple hai. The solution which contain high. Write down the solution which contain high amount of solute. High amount of solute is called as hypertonic solution. Hypertonic solution. अभी सस्पेंस. आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये तीसरा टाइप होता है, तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? लो भी हो गया, हाई भी हो गया, आइसोटोनिसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे? इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मतलब 5 ml वाटर में आप सॉल्यूट कितना डालोगे? 5 ml. सोल्यूट को हम कैसे मेजर करते हैं, ml में या ग्राम में? ml. ml में डिपेंड करता है सोल्यूट लिक्विड है या सॉलिड है, राइट? हाँ सर. हाँ तो देखो, आइसोटोनिक एक्चुअल में कॉन्सेप्ट आइसोटोनिसिटी का होता है, और उसके दो भाई हैं हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ठीक है? अभी ये कैसा होता है, इमेजिन करो एक सेल है, सेल के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स है, सेल के बाहर 10 मॉलिक्यूल है, तो सिचुएशन कैसी है? इक्वल, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज आइसोटोनिसिटी, ठीक है? नाउ इमेजिन द सिचुएशन, सेल के बाहर 2 मॉलिक्यूल्स है एंड सेल के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स है, इस सिचुएशन को आप क्या कहोगे?
हाइपोटोनिक। हाँ, अभी आपने हाइपोटोनिक किस बेसिस पे कहा, सेल के बाहर जो कंटेंट कितना प्रेजेंट है उसके बेसिस पे। तो जो डेफिनेशन आप हाइपोटोनिक की बता रहे हो या हाइपरटोनिक की बता रहे हो, वहां पे फोकस रखना है सेल के बाहर कितना कंटेंट प्रेजेंट है, नहीं तो प्रॉब्लम क्या है, एक पैराडॉक्स है। हाइपोटोनिक को डिफाइन करना है तो कंसिडर कौन सा करे, सेल आपने बोला सेल है, सेल के अंदर 10 मॉलिक्यूल, सेल के बाहर 2 मॉलिक्यूल, तो अंदर वाले को कंसिडर करना है या बाहर वाले को कंसिडर करना है उस सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए। तो याद रखना हमेशा कि सेल के बाहर कितना कंटेंट है उसके ऊपर आप टोनिसिटी डिफाइन करोगे। तो आइसोटोनिसिटी की एक डेफिनेशन लिख लो, फिर हम इसका एक ओवरव्यू देखेंगे। द सोल्यूशन विच कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट The solution which contain equal amount of solute as that of inside of the cell is called as isotonic solution. अभी अगर मैं सलाइवा को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहूं तो क्या हो सकता है, सिचुएशन किस तरह से चेंज हो जाएगी। डेफिनेशन को पढ़ो फिर बताना है आपको। अगर उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल देंगे तो ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या हो सकता है, फिर नहीं हो रहा है। देखो सलाइवा इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मींस इट कंटेन्स लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के लिए यहाँ पे मान लो सॉलिड पार्टिकल, ओके। अगर इसको हम हाइपरटोनिक बोल दें तो उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल अगर आ गए तो आपके ओरल कैविटी में क्या क्या चीजें हो सकती है, सिंपल है। आपको एक अनयूजुअल फीलिंग आएगी ना जब भी सलाइवा आपके ओरल कैविटी में रिलीज होगा, आपको कुछ ना कुछ ओरल कैविटी में ऐसा महसूस होगा जो दांत के नीचे या टंग रीजन में या पैलेट रीजन में महसूस हो रहा है, सिंपल। तो यहाँ पे मीनिंग क्या लेना है, एज द सलाइवा टर्न्स मोर हाइपोटोनिक, जैसे ही उसमें का सॉलिड कंटेंट मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट हो जाता है उसके बाद जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन, वेयर वाइड एक्स्ट्रा लेबुलर एक्सक्रीटरी डक्ट्स, जो लास्ट वाले जो डक्ट्स है वो उस फ्लूड को कलेक्ट करके ग्लैंडुलर लेबुल से सीधा ओरल कैविटी में सिक्रीट कर देंगे। और ये सिक्रीशन दिन भर होता रहता है, लेकिन जब आप फूड खाते हो तब वो ज्यादा रहता है, ठीक है। चलो सो पहला है मेजर सलाइवरी ग्लैंड का पहला सेक्शन पैरोटिड ग्लैंड। डायग्राम में आप देख सकते हो उसमें से मैंने सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड को ही हाईलाइट किया है, बाकी को हमने अभी तक नेमिंग नहीं दिया है। ह्यूमन पैरोटिड ग्लैंड आर द मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स व्हिच इज वे अराउंड 25 टू 30 ग्राम, लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ हेड बिहाइंड द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ऑफ द मैंडिबल एंड द स्कल बेस। तो आप डायग्राम में देख सकते हो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, कान के थोड़ा सा नीचे है और स्कल के दोनों साइड के आपको वो सलाइवरी ग्लैंड्स वहां पे प्रेजेंट होती है। Parotid glands are exclusively formed by serous acne which secretes aqueous saliva. अभी serous acne क्या है? These are the rounded secretory cells.
अभी उसको नाम सीरस क्यों दिया है, क्योंकि इट सिक्रेट सीरस फ्लूड। अगर वो म्यूकस सिक्रेट करता तो उसको हम कहेंगे म्यूकस एक्ने। आपके सलाइरी ग्लैंड में दो टाइप्स के ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, एक होता है सीरस एक्ने, दूसरा होता है म्यूकस एक्ने। उनको नाम सीरस एक्ने एंड म्यूकस एक्ने क्यों दिया है, क्योंकि वो उस टाइप के फ्लूड सिक्रेट करते हैं। पहला फ्लूड ले लो, सीरस फ्लूड। सीरस फ्लूड मीन्स वॉट? द वॉटरी फ्लूड विच इज रिच इन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो अगर मैं कहूँ सलाइवरी अमाइलेज सिक्रेटेड फ्रॉम और सिक्रेटेड थ्रू सीरस फ्लूड, तो ये राइट है या रॉन्ग है? Salivary amylase is secreted through serous fluid. बोलो, ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है? सही। सिंपल है, क्योंकि serous fluid में ही digestive enzyme present होते हैं। तो आपकी saliva का जो composition है उसमें serous fluid भी है, mucus fluid भी है, लेकिन जो serous fluid है वो actual में आपको digestive enzymes देता है, which secretes aqueous saliva which is rich in amylase, sulfamucins and sialomucins. This salivary secretion parotid gland is stimulated by sympathetic nerves and the auriculotemporal plexus. Auriculotemporal plexus मतलब एक spinal nerve जो आपके body में है। कितने pairs होते हैं spinal nerves के total? 31 और 33? Confused between skeletal system and nervous system. Chalo sanga, perfect answer kya hai? Final nerve present in the body. 31, sure? Or 31 vertebrae? Yaad rakho, spinal nerves aapke body mein 31 hai. Total vertebrae 33 hai. Hamesha isme kuch na kuch confusion hota hi rehta. Haan sir. Right? तो आपके बॉडी में जो स्पाइनल नर्व है उसका एक ग्रुप है जिसका नाम है ऑरिक्युलो टेम्पोरल प्लेक्सस। वो आपके सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल कर सकता है। दूसरी थिंग, सिंपैथेटिक नर्व्स विच इज द कंपोनेंट ऑफ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यस, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एज वेल एज आपका स्पाइनल कॉर्ड दोनों आपको मदद करते हैं फॉर सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। अभी जो सिक्रेशंस की बात की है उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट मार्क कर लो। सीरस फ्लूड हेल्प्स इन डाइजेशन, सीरस फ्लूड हेल्प इन डाइजेशन, राइट डाउन, सीरस फ्लूड हेल्प्स इन डाइजेशन। एंड म्यूकस फ्लूड हेल्प्स इन लुब्रिकेशन, म्यूकस फ्लूड helps in lubrication. सीरस आपको डाइजेशन में मदद करेगा, म्यूकस आपको लुब्रिकेशन में मदद करेगा। सिंपल। नेक्स्ट, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट पेयर ऑफ ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी मैंडिबुलर सॉरी सबमैंडिबुलर ग्लैंड रेंज इन वे अराउंड 7 to 15 gram एंड आर लोकेटेड इन द सबमैंडिबुलर ट्राइंगल बिहाइंड द फ्री इंसर्शन ऑफ माइलोहायड मसल। पहले तो माइलोहायड मसल कहाँ पे होता है वो राइट साइड वाली जो इमेज है वो देख लो। तो उसके ठीक पीछे सब मैंडिबुलर ग्लैंड लोकेटेड की होती है और उसका वेट होता है 7 to 15 gram। रिगार्डिंग द सलाइवरी सिक्रीशन, सब मैंडिबुलर ग्लैंड आर कंपोज ऑफ मिक्सड एक्नी विथ म्यूकस एंड सीरस कॉम्पोनेंट्स। इससे पहले हमने जो पैरोटिड सिक्रीशन देखा था इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सीरस एक्ने प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो सब मैंडिबुलर रीजन है उसमें सीरस एक्ने एज वेल एज म्यूकस एक्ने दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो सकते हैं। इन जनरल सीरस एक्ने आर प्रीडोमिनेंट। जनरली जो सीरस एक्ने है वो उनका रोल मेजोरिटीली प्ले करते हैं। म्यूकस का काम थोड़ा बहुत रहता है लेकिन मैक्सिमम काम सीरस एक्ने का ही होता है। ऑल्दो द प्रोपोर्शन में वैरी अमोंग द लोब्स, तो जितने भी लोब्स है वहाँ पे प्रोपोर्शन थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन मेन काम जो है वो सीरस एक्ने का ही है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू द अमाउंट ऑफ सिक्रेटेड सलाइवा विद इन द ओरल कैविटी।
secreting a viscous saliva composed mainly of glycoprotein, sulfated cystatins, and neuronal and epidermal growth factors promoting lubrication and protection of oral mucosa. तो इन्होंने क्या बोला कि जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वो मैक्सिमम जो भी कंट्रीब्यूशन है वो प्रोवाइड करते हैं. अभी उसमें जो सिक्रेशन होगा सब मैंडिबुलर ग्लैंड के थ्रू, उसमें क्या है, विस्कस सलाइवा, वो किस चीजों से बना हुआ है, ग्लाइको प्रोटीन. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ग्लाइको प्रोटीन इज वॉट, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ग्लूकोज भी है एंड प्रोटीन भी है, इन विच अभी वहां पे सल्फेट एंड सिस्टेटिन ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं. वो एक कॉम्प्लेक्स है, मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स है. एंड न्यूरोनल एंड एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स प्रमोटिंग द लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ओरल म्यूकोसा. तो यहाँ पे बाकी के केमिकल आपको लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए मदद करते हैं. देन द न्यूरल कंपोनेंट व्हिच स्टिमुलेट्स द सबमैंडिबुलर ग्लैंड अकर्स वाया फेशियल एंड लिंगुअल ब्रांचेस ऑफ मैंडिबुलर नर्व व्हिच इज द ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व एंड द सिंपैथेटिक ट्रंक arising from submandibular ganglion region. तो submandibular gland को control करने वाले nerves कौन कौन से हैं? पहली है facial nerve, दूसरी है trigeminal nerve. Actual में trigeminal nerve and facial nerve है, लेकिन जो उन्होंने एक word बोला है lingual branches of the mandibular nerve, तो trigeminal nerve से एक branch निकलती है जिसका नाम है mandibular nerve. तो वो आपके saliva secretion के लिए सब मैंडिबुलर रीजन से मदद करती है. तो याद रखना है कौन से नर्व्स सब मैंडिबुलर ग्लैंड का सिक्रेशन कंट्रोल करते हैं. फर्स्ट आंसर इज फेशियल, सेकंड वन इज ट्राइजेमिनल एंड द सिंपैथेटिक ट्रंक अराइजिंग फ्रॉम सब मैंडिबुलर गैंग्लियॉन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैंग्लियॉन? क्या होता है गैंग्लियॉन का मीनिंग? ओके, सिनेप्स का मीनिंग क्या होता है? चलो वो बता, गैंग्लियन को छोड़ दो. जंक्शन बिटवीन टू सिनेप्स. जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स. करेक्ट, जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड एज सिनेप्स. वो ओवरऑल हम कहते हैं, लेकिन हमारे स्पाइनल कॉर्ड के आजू-बाजू में सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है, तो वहां पे जो न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्शन में है उसको हम कहते हैं गैंग्लियन. तो अभी सलाइवरी ग्लैंड के साथ कनेक्शन करना है, करेक्ट? तो सलाइवरी ग्लैंड के साथ जो कनेक्शन हो रहा है तो सिंपैथेटिक ट्रंक के साथ हो रहा है. तो सिंपैथेटिक ट्रंक में दो न्यूरॉन इन्वॉल्व्ड है, एक शॉर्ट लेंथ है एक लॉन्ग लेंथ है. तो इसमें से लॉन्ग लेंथ कौन होगा और शॉर्ट लेंथ कौन होगा? चलो लगाओ दिमाग. सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम याद करो याद करो याद करो, कौन सा वाला शॉर्ट होता है कौन सा वाला लॉन्ग होता है, प्री गैंग्लियोनिक या पोस्ट गैंग्लियोनिक? पोस्ट गैंग्लियोनिक. नहीं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमेशा प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन शॉर्ट होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन लॉन्ग लेंथ होता है. गैंग्लियन स्पाइनल कॉर्ड के नजदीक प्रेजेंट होता है, भूल गए. पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में केस अलग है, प्री गैंग्लियोनिक लॉन्ग लेंथ होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट लेंथ होता है और गैंग्लियन ऑर्गन के नजदीक प्रेजेंट होता है. चार साल बाद जीपैट की एग्जाम देनी है और जीपैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, आपके बेसिक्स कितने क्लियर है. इस तरह से ही छोटे छोटे एग्जाम छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं मेन एग्जाम में. चलो नेक्स्ट. The intercalated ducts of the submandibular glands are shorter compared to the parotid gland, where striated ducts are more branched and extensive. तीनों glands, जो तीनों ducts हैं, उनके एक छोटा सा comparison है. तीन type के ducts salivary gland में present है. उसमें से जो intercalated ducts हैं submandibular gland की, वो short है in comparison to parotid. Whereas जो striated ducts होते हैं, उनकी branching बहुत ज़्यादा होती है और extensive होती है. Extensive मतलब throughout submandibular gland हो सकती है. And last region is your sublingual gland. Human sublingual glands are the last pair of major glands to form, with an average weight of nearly 3 gram. The sublingual glands represent the smallest group of the major salivary glands. तो major salivary gland में से सबसे छोटी अगर कोई gland है तो वो है sublingual gland.
Remember this point for MCQ. They are deeply located between the connective tissue of the floor of the mouth and the myeloid muscle. तो वो आपके माउथ का जो फ्लोर है वहां पे प्रेजेंट, उसके नीचे प्रेजेंट होती है जस्ट नियर टू द मायोहायलॉइड मसल. सबलिंगुअल ग्लैंड्स प्रेजेंट प्रीडोमिनेंटली म्यूकस एसिनार सेल्स एंड सीरस एक्ने आर रेयरली फाउंड. ये एक एक्सेप्शन है. अभी तक हमने दो चीजों के बारे में डिस्कस किया था, पैरोटिड एंड सब मैंडिबुलर. दोनों में सीरस प्रीडोमिनेंट है, सीरस मैक्सिमम सिक्रेशन देते थे, लेकिन जो सबलिंगुअल है सबसे छोटी वाली एंड लास्ट जो ग्लैंड है उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आपका म्यूकस एसिनार सेल्स करते हैं. और उनका काम क्या है? लुब्रिकेशन. सीरस एक्ने का काम क्या है? सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. उसके बाद आते हैं माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स. दीज ग्लैंड्स आर लोकेटेड थ्रू आउट योर ओरल म्यूकोसा. जितना भी आपका ओरल म्यूकोसा है वो सभी जगह पे माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट इन द गम एंड हार्ड पैलेट. तो गम क्या होता है? आपके ओरल कैविटी में जो टिथ है उसका जो सॉकेट है उसको हम कहते हैं गम. तो वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होता है. एंड जो हार्ड पैलेट है, ओरल कैविटी का जो अपर सेक्शन है जो आपको टफ लगता है, कभी कभी हम अगर डेयरी मिल्क खाते हैं तो आपको ये एक्सपीरियंस आपने किया होगा, तो आपके ऊपर वाला जो रीजन है टंग से ऊपर वाला एग्जैक्ट जो बोनी रीजन है वहाँ पे अगर एक बार अटक गई तो उसको निकालने में कितनी दिक्कत होती है आपको भी पता है. तो वो जो रीजन है उसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट. तो वहाँ पे भी ये ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है. दे आर प्रीडोमिनेटली फॉर्म बाय म्यूकस एक्ने दैट आर सराउंडेड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू. तो यहाँ पे जो मेन ग्लैंड प्रेजेंट है, मेन सेल्स प्रेजेंट है माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स में, वो है म्यूकस एक्ने. और इनका काम क्या रहेगा? म्यूकस को सिक्रीट करना. इम्पॉर्टेंटली सलाइवरी सिक्रीशंस फ्रॉम माइनर ग्लैंड्स यूजुअली अकर्स होमोजेनियसली थ्रू सेवरल स्मॉल डक्ट्स स्प्रेड ओवर द ओरल म्यूकोसा सरफेस इंस्टेड ऑफ बीइंग कलेक्टेड बाय सिंगल लार्ज डक्ट व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू इफिशियंट लुब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी. जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है अभी आपके ओरल कैविटी में, उनकी कोई कॉमन डक्ट नहीं है, उनका एक वाइड स्प्रेड नेटवर्क है और उन नेटवर्क के थ्रू ही वो सारा सिक्रीशन ओरल कैविटी में करते हैं. देन पैराडॉक्सिकली माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स आर कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एंड लुब्रिकेंट फंक्शन ड्यू टू देयर सलाइवा कंपोजिशन. भले ही आपके पास मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स है लेकिन उनका काम डाइजेस्टिव सिक्रीशन को सिक्रीट करना है, मैक्सिमम डाइजेस्टिव सिक्रीशन को ओरल कैविटी में पोर करना है. लेकिन जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स है उनका मेन काम है लुब्रिकेशन. रिप्रेजेंटिंग 6-10% ऑफ द डेली सिक्रीशन ऑफ द सलाइवा, माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ ओरल म्यूकोसा एंड इनेमल सरफेस. इनेमल सरफेस किसी को पता है क्या होता है? व्हाट इज इनेमल? कवरिंग ऑफ टीथ. यस, आपके दांतों के ऊपर एक कवरिंग है, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको हम कहते हैं इनेमल. तो आपका जो सलाइवा है वो ओरल कैविटी की हेल्थ तो मेंटेन कर रहा है, उसके साथ एक कोट आपके दांतों के ऊपर भी होगा कि जो देखो जितना भी फूड आप खाते हो उसमें से कभी कभी डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम होती है, दांत को हमारे थोड़ा बहुत ऐसी इंजरी हो जाती है ड्यू टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन. लेकिन हमारे सलाइवा में लाइसोजाइम एंजाइम है, तो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दांत पे आ जाता है तो सलाइवरी जो लाइसोजाइम है वो उसको किल कर देगा. तो इसके थ्रू इनेमल का प्रोटेक्शन पॉसिबल है. एंड दे प्रोड्यूस अबाउट 70% ऑफ द सलाइवरी मेडिसिंस एंड सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिंस सच एज मेनली IgA, सलाइवरी एसिड फॉस्फेटेज एंड लाइसोजाइम्स व्हिच प्रिवेंटिंग द कॉलोनाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द टीथ सरफेस एंड अकरेंस ऑफ इन्फेक्शन. तो माइनर जो सलाइवरी ग्लैंड्स है आपके बॉडी में, एक तो म्यूकस को भी सिक्रीट करते हैं एज वेल एज एंटीबॉडी प्रोडक्शन में भी मदद करते हैं, एज वेल एज लाइसोजाइम सिक्रीशन में भी मदद करते हैं. तो वो आपके ओरल कैविटी की हेल्थ भी मेंटेन करते हैं. लेकिन जो मैक्सिमम फंक्शन है वो है लुब्रिकेशन विद द हेल्प ऑफ म्यूकस एसिनिस दैट इज म्यूकस सिक्रीशन. ओके, सलाइवरी ग्लैंड्स में किसी को कुछ पूछना है?
Anybody having any doubt? H is repeated silicon. Secretion of mucus, that is lubrication. Secretion of digestive enzymes, that is digestion. लेकिन कौन सी ग्लैंड कौन सा सिक्रेशन करती है एंड कौन से ग्लैंड में कौन से सेल्स प्रीडोमिनेंट है उसके बारे में आपको सिर्फ याद रखना है. पैरोटिड एज वेल एज सबमैंडिबुलर, वहां पे सीरस एक्नी पे ही आपको फोकस रखना है. स्पेशली आपका जो पैरोटिड ग्लैंड है उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सीरस एक्नी का ही है. सबमैंडिबुलर में मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एंड जो लास्ट वाला था सबलिंगुअल उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आपके म्यूकस का ही था. एंड जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स है उनका काम सिर्फ और सिर्फ म्यूकस सिक्रेशन करना है, वहां पे सीरस सिक्रेशन बिल्कुल भी नहीं होगा. बस ये थी आपकी सलाइवरी ग्लैंड की हाइलाइट्स, वही पॉइंट आपको रिपीटेड दिख रहे थे वहां पे. अभी कुछ होमवर्क्स के लिए डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, अल्सर्स, IBD विच इज नोन एज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर, कॉलोनल कैंसर, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स. क्या ये डिसऑर्डर आपके पैथोफिजियोलॉजी में अभी हो चुके हैं? नो सर. ओके, फिर हो जाएंगे, कोई बात नहीं. एसिडिटी की प्रॉब्लम कब होती है? जब ओवर एसिड प्रोड्यूस, ओवर सिक्रेशन होता है आपके